हमारे साथ पंकज डॉक्टर पंकज सर हैं और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड तो आइए जानते हैं सर से कि क्या खास सुझाव देना चाहेंगे हेल्थ के लिए लोगों के लिए। तो सर बताइए कुछ, आज बहुत खास दिन है तो क्या आप कोई खास सुझाव देना चाहेंगे? जैसा कि सभी जानते हैं आज 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस है। जो संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन इस दिन स्वास्थ्य दिवस मनाता है और सभी लोगों के लिए सुझाव है, जो बच्चे भी हैं, यंग जनरेशन है, हमारे जो ओल्ड एज वाले हैं, तो उन सभी के लिए कि ये पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है इस समय पे, तो इस टाइम पे हमें अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना है, मेंटली रूप से प्रिपेयर रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करना है, बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, भीड़ भरी जगह से जाने से हमें बचना है और जो भी दिशा निर्देश समय समय पर सरकार देती है, प्रदेश सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, उन दिशा निर्देशों का हमें पालन करना है और जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है तो अच्छी बात है और जिन्होंने नहीं लगवाई है तो उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ जो हमारे आयुर्वेद में मेडिसिंस बताई गई है, ऋतुचर्या बताई गई है, दिनचर्या बताई है, तो इनका हम जब प्रयोग करेंगे तो उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। जैसे कि दिनचर्या में हमें सुबह जल्दी उठना है, प्राणायाम वगैरह करना है, सुबह हो सके टहलने जा सकते हैं तो टहलने जाइए, इन कारणों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका मेंटली स्ट्रेस कम होता है जिससे नींद अच्छी आती है और जब नींद अच्छी आती है तो एक हेल्दी शरीर रहता है। सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खास सुझाव देना चाहेंगे? जैसा कि वर्ल्ड जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड के, उनका कहना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की ओर ज़्यादा फोकस करना है, तो आप इसके लिए क्या कोई खास सुझाव देना चाहेंगे लोगों को? हाँ देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत से फैक्टर जो है वो काम करते हैं। इनमें एक हमारा सबसे पहले हमारी डाइट कैसी होना चाहिए, हमारा आहार क्या है, जो हमने अभी प्राणायाम की बात की वो भी उसमें इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। आयुर्वेद में 3 बातें बताई है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार आपका अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी जी। इसके अलावा नींद प्रॉपर लीजिए। कुछ मेडिसिन हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और आप डेली जो फल हैं, सीजनल फल हैं, वो खाइए आप और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ लीजिए। तो मेडिसिन में जैसे ग्लोए हो गया है, अश्वगंधा है, तुलसी है, आंवला है, हल्दी है, तो इन चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ग्लोए की चाय, जो ग्लोए का काढ़ा आता है उसको हम उबाल कर चाय के रूप में उसको हम पी सकते हैं। त्रिकटू का भी यूज करते हैं, पर इन दोनों जैसा कि गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं तो त्रिकटू का उपयोग कम से कम करें। खाने में जो हमारी सहजन की फली आती है तो हम उसका सब्जी के रूप में उपयोग कर सकते हैं, मूंग की दाल है, इन चीज़ों का हम उपयोग करें तो निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी जी। सर बच्चे और सीनियर सिटीजन के लिए क्या खास कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? जैसा कि बहुत भ्रांतियाँ हैं, मिसकंसेप्शन है कि बच्चों को कोरोना नहीं होगा और भी बहुत कुछ, और खास कहा जा रहा है कि अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता जो 50 से ऊपर हैं, तो सीनियर सिटीजन की खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, तो इसके लिए आप क्या कोई खास परामर्श देना चाहेंगे सर? हाँ, बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए परामर्श है, ये एक भ्रम ही है कि बच्चों को नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अननेसेसरी भीड़ वाली जो जगह है जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग है, लोग ज़्यादा आते हैं, अननेसेसरी वहाँ पर जाने से बचें। बच्चे खुद ध्यान नहीं देते हैं तो उनके माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, बार बार अगर वो बाहर से कहीं खेल के आ रहे हैं तो उनके हाथ पैर अच्छे से धुलवाएँ ना, और प्रॉपर उनको दूध है जो कि बॉर्नविटा युक्त वो लेते थे जो भी है, तो उसमें हल्दी युक्त दूध अगर बच्चों को दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी बूस्ट की ओर ज़्यादा ध्यान, इम्यूनिटी रहेगी। उनके खाने पीने पे विशेष ध्यान दीजिए।
ऐसे ही बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों में भी इम्यूनिटी स्वतः थोड़ा सा कम होने लगती है, तो उनके भी खान पान पर हमें विशेष ध्यान देना रहेगा। जो डायबिटीज वाले हैं या हाइपरटेंशन वाले हैं उनको भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, समय से अपनी दवाइयाँ लेते रहें वो, तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमारी कम्युनिटी के लिए, और साफ सफाई का ध्यान रखिए जी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद सर।